बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने पढ़ना है टीथ। टीथ जो है वो आपका डाइट का जो नेचर है उसको रिफ्लेक्ट करेगा कि आप किस तरह की डाइट लेते हैं, किस तरह का खाना आप खा सकते हैं। हमारे पास अगर हम देखें तो फिशेस में हमारे पास टीथ नहीं होते, क्योंकि वो जो है वो वाटर में रहती हैं, सिर्फ वाटर वो वाटर करंट्स होते हैं उसके थ्रू उनके फूड उनके माउथ के अंदर सारा का सारा जो फूड चला जाता है, ठीक है। अगर हम उसके बाद अगर हम देखें उसके बाद हम जाते हैं, अगर हम एक्सपेक्टेशन देते हैं कि बर्ड्स के साथ टर्टल के साथ एंड द बलीन वेल मोस्ट वर्टिब्रेट्स हैव द टीथ, लेकिन अगर हम बर्ड्स में देखो तो बर्ड्स में टीथ नहीं होते। क्यों? क्योंकि बर्ड ने फ्लाई करना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है फ्लाई करना है जो और फ्लाई करना है इसलिए उनका जो है वेट वो लो होना चाहिए, लेकिन टीथ का जो है वो वेट होता है जिसकी वजह से बर्ड्स जो हैं वो नहीं होते, इसलिए उनका बॉडी का जो वेट है वो रिड्यूस करने के लिए एब्सेंस ऑफ द टीथ टीथ है बिकॉज दे फ्लाई। जो टीथ है हमारे पास जो है वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, ये डिपेंडिंग ऑन द फूड क्या फूड किस तरह की खा रहे हैं। अगर आप प्लांट पर फीड कर रहे हैं हर्बीवोर्स हैं तो आपके जो टीथ हैं वो और टाइप के होंगे। अगर आप फीड करें एनिमल्स पे जैसे कार्निवोर्स हैं, अगर आप मीट खा रहे हैं ठीक है गोश्त खा रहे हैं तो आपके जो टीथ हैं वो और तरह के होंगे। बट अगर आप बोथ हैं ओमनिवोर्स हैं आप मीट भी खा रहे हैं और आप हब से भी फीड करें जिस तरह इंसान है, इंसान का जो टीथ है ये और तरह के होंगे कि वो कि हाउ यू ऑब्टेन द फूड डिस्क्राइब योर टीथ, ठीक है। तो अगर हम देखें स्नेक्स के जो टीथ हैं वो उसकी जो है स्लो बैकवर्ड टू एड द रिटेंशन ऑफ द प्रे वाइल्ड स्वॉलिंग, जो स्नेक के जो टीथ हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, पीछे की तरफ है क्यों, क्योंकि जो स्नेक है वो निगलता है, जिस तरह हमारे पास जिसको आप लोग वो नाग कहते हो नाग है वो पूरा का पूरा जो है वो निगल लेता है नाग जो है, और फिर स्नेक्स की टाइप्स है आप पूरा का पूरा जो है क्योंकि पूरा का पूरा ह्यूमन या कोई भी फॉरेन बॉडी जो है वो पूरा का पूरा निगल लेता है। तो वो जो उसके जो स्नेक्स जो टीथ को फैंग्स कहते हैं, वो फैंग्स जो है उसके टांग के बैक साइड पर होते हैं, जब वो मुँह बंद करता है वो दोनों टीथ उसके आपस में मिल जाते हैं। और उसके बाद फिर केनाइन्स टीथ हैं वूल्स के पास है, क्योंकि वूल्स जो है वो राइपनिंग करते हैं चीर फाड़ का काम है उसके जो टीथ होंगे वो केनाइन्स जो शार्पन होते हैं शार्प एंड होते हैं इनके जी इनके इनसे चीर फाड़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। अगर आप डियर्स में जाओ हर्बीवोर्स हैं जो है इनके जो है प्रीडोमिनेंट ग्राइंडिंग टीथ हैं, इनके जो टीथ होंगे वो ग्राइंड करते हैं क्रशिंग बहुत ज़्यादा जल्दी कर सकते होंगे। और जो अगर आप बीवर्स देखें उनके जो है वो उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने दरख्तों को चीरना फाड़ना होता है, उनके ट्रिजलिंग ऑफ द ट्री उनकी जो टीथ की टाइप है वो और तरह की होगी, उन्होंने साथ में ब्रांच को करना होता है। अगर आप देखें एलिफेंट को देखें जो एलिफेंट के जो टीथ हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, लोग उनके कॉस्ट्यूम्स बनाते हैं, जो रिच फैमिली लोग होते हैं उनके बटन्स होते हैं उनके कॉलर्स होते हैं कपड़ों के जो शर्ट्स के कॉलर होते हैं वो उसके बने होते हैं, टू मच कॉस्टली हैं। एलिफेंट के जो टू टीथ हैं एक ऊपर होते हैं और एक नीचे होता है, ये जो है स्पेशली वेपन्स के लिए और फॉर द मूविंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आप ह्यूमंस के देखें ह्यूमंस में पिग्स में बियर्स में रैकोन्स में द फ्यू अदर मैमल्स आर द ओमनिवोर्स, ये जो इनके जो टीथ हैं ये बहुत ज़्यादा इनके जो टीथ हैं हमारे इंसानों के बर्ड्स इंसानों के बियर्स के रैकून्स के और अदर मैमल्स जो हैं उनके जो टीथ हैं इनके डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। आप जो हैं अब चबाते भी हैं अब चीड़ फाड़ भी करते हैं उससे, ठीक है ग्राइंड भी करते हैं चिजलिंग भी करते हैं राइप भी करते हैं टीयर भी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सलाइवरी ग्लैंड। जो स्लाइवरी ग्लैंड है ये हमारे पास स्पेशलाइज ग्लैंड हैं, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड हैं जो हमारे जो हैं वो हमारे टंग के अंदर जो है पाए जाते हैं। फिशेज़ में स्लाइवरी ग्लैंड नहीं होते। जो लैम्परेज हैं हमारे पास है इनके पास हमारे पास इसमें हमारे पास है पेयर ऑफ द ग्लैंड हैं, क्योंकि ये जो है ये एंटीकोगुलेंट हैं। एंटीकोगुलेंट होता है वो जमने नहीं देता, ठीक है। एंटीकोगुलेंट जो है केमिकल रिलीज करता है क्योंकि जो है कीप द देयर ब्लड प्रे ब्लड फ्लोइंग एज द फीड। ये जो भी प्रे जो है ये लेते हैं उनका जो ब्लड है इनकी बॉडी के अंदर जो है फ्लो करता रहता है। एंटीकोगुलेंट केमिकल रिलीज करते हैं, उनका जो प्रे का जो ब्लड है वो जो है वो कोगुलेट नहीं करता जमता नहीं है। मॉडिफाइड स्लेवरी ग्लैंड्स हैं वो स्नेक में पाए जाते हैं, ये वेनोम को प्रोड्यूस करते हैं।
विनोम जहर होता है, जो स्नेक का जहर होता है। कुछ लोग होते हैं जो विनोम होता है ये एंटी, ये एजिंग के लिए भी यूज, एंटी एजिंग के लिए यूज़ होता है कि इससे एज नहीं आती। शर्त यह है कि आपके मुंह के अंदर कोई भी ज़ख्म ना हो, तो आप जो विनोम है आप उसका अपने मुंह के अंदर रखें, तो जो है ज़ुबान के जबड़े के पीछे रखना है आपने उसको, मुंह के अंदर कोई छाला ना हो। ये तो क्या करेगा, ये स्लोली स्लोली रिलीज़ हो जाएगा और आपको बुरा नहीं होने देगा, रिंकल्स नहीं आपके फेस पे आएगा, ठीक है। ये जो है फ़ौरन, जो है फ़ौरन के जो लोग हैं वो इसको करते हैं इंजेक्टेड। जो ये जो है अगर वो बता रहा है, मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड ऑफ सम स्नेक प्रोड्यूस विनोम दैट इज इंजेक्टेड थ्रू फैंग्स टू इमोबिलाइज द प्रे। प्रे को इमोबिलाइज करने के लिए ऑब्वियसली जो है वो जो विनोम है वो रिलीज़ करेगा, वो जो भी प्रे होगा उसका, ह्यूमन है कोई भी अदर एनिमल है, वो वहीं का वहीं फ्रीज हो जाएगा और उसको फिर इजली जो है वो प्रे को जो है खा सकता है। बिकॉज द सेक्रेशन ऑफ द ओरल डाइजेस्टिव एंजाइम इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन द एम्फीबियन ऑफ द रिप्टाइल्स, स्लाइवरी ग्लैंड आर एबसेंट। एम्फीबियन ऑफ रिप्टाइल में स्लाइवरी ग्लैंड नहीं है। आपको एमसीक्यू आएगा विच ऑन द फॉलोइंग हैज नो स्लाइवरी ग्लैंड, एम्फीबियन एंड द रिप्टाइल। बर्ड्स में भी नहीं है बिकॉज मैमल्स में है स्लाइवरी ग्लैंड है। आप ह्यूमन्स में देख लें, ह्यूमन में जो आपको थूक आता है कि स्लाइवा ये ग्लैंड है, आप कोई भी फूड लेते हो थूक होता है वो आपको लुब्रिकेट करता है उसको और आपके ओरल कैविटी के अंदर पास होने में इजी करता है। अगर आप इस पेज पर देखें तो उसने टंग में दी हुई है, सबसे पहले लैम्प्रे का बताया हुआ है कि लैम्प्रे की किस तरह की टांग है, रास्पिंग टांग है, उसके बाद फिशेज है, फिशेज की जो टांग होती है वो मोबाइल नहीं होती, वो एक जगह भी रहती है। उसके बाद उसने कैमिलियन की बताई हुई है, कैमिलियन की रास्पिंग टांग है वो बहुत दूर तक उसकी चली जाती है टांग। उसने बताया है कि अगर अनसस्पेक्टेड इंसेक्ट है जिसका जो है उसका 25 बॉडी लेंथ पर सेकेंड, बॉडी लेंथ जितनी भी 25 बॉडी लेंथ पर सेकेंड की स्पीड से जो है, और डन उसने बताया है आपको वुड पैकर की जो बीग है बहुत स्ट्रांग होती है, इसको मार मार के टीथ के अंदर जो है उसे होल्स करता है। ओके